गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, स्पेशली लैंग्विस्टिक स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। ठीक है, लैंग्विस्टिक स्टेट एंड लैंग्वेज पॉलिसी प्रैक्टिस ऑफ फेडरेशन में लैंग्विस्टिक स्टेट बेटा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात यह है कि जब 1947 से जब से हमारा कंट्री फ्रीडम हुआ, 1947 में फ्रीडम गेन, जब से फ्रीडम सबसे बड़ा गेन हुई, तब से 2020 तक अगर हम देखें तो ए लॉट ऑफ चेंजेस हैज अकर्ड इन द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट स्टेट। मैनी न्यू स्टेट हैज बीन फॉर्म्ड एंड मैनी बाउंड्री ऑफ मैनी स्टेट हैज बीन चेंज एंड नेम ऑफ मैनी स्टेट ऑल्सो हैज बीन चेंज। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत कुछ चेंज हो गया 1947 से 2020 तक। इंडिया के इंटरनल मैप में एक्सटर्नल बाउंड्री तो लगभग सेम है, बट इंटरनल स्टेट की बाउंड्री में काफी कुछ चेंजेस हुए। कई स्टेट्स नए बनाए गए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1956 में आंध्र प्रदेश बनाया गया, 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड का फॉर्मेशन किया गया, 2014 में तेलंगाना बनाया गया। तो मतलब मेरे कहने के मतलब अ लॉट ऑफ न्यू स्टेट्स हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम 1947 टू 2020 तक। तो प्रॉब्लम की बात ये जो कि लैंग्वेज के बेस पर बनने वाले स्टेट को लिंग्विस्टिक स्टेट कहा जाता है। तो जो नए स्टेट का फॉर्मेशन का बेस बेसिकली तीन चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जब किसी स्टेट का डिवीजन किया जाता है या नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक बेटा इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंग्वेज। क्या इंपॉर्टेंट होती है? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है और लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा बेटा ज्योग्राफिकल कंडीशन जिम्मेदार होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन जिम्मेदार होता है। और तीसरा बेटे ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट या इसी में हम लोग कह सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन जो हुआ वो लैंग्वेज के बेस पर किया गया, महाराष्ट्र से कट करके एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया गया जिसे लैंग्वेज के बेस पर आंध्र, क्योंकि तेलुगु से तेलुगु लैंग्वेज के बेस पर उसे अलग किया गया। ज्योग्राफिकल कंडीशन पर फॉर एग्जाम्पल यूपी का डिवीजन किया गया, उत्तराखंड जो कि एक हिली एरिया है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसके न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। और डेवलपमेंट के बेस पर देखा जाए या मिनरल की अवेलेबिलिटी के बेस पर देखा जाए तो झारखंड है, झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ, ये मिनरल वाला एरिया है। तो ये तीन बेस बेटे न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बातें कर रहे हैं, अब बातें हम सिर्फ लैंग्वेज बेस पे करेंगे। तो जब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट की डिमांड हुई बच्चों, तो स्टार्टिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डिमांड को बेटा नेग्लेक्ट किया और इस डिमांड के यानी लैंग्वेज के बेस पर न्यू स्टेट के फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं थी या सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस लैंग्वेज के बेस पर स्टेट के फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ बच्चों कि क्यों लैंग्वेज के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर रही थी, क्योंकि बच्चों लैंग्वेज इंडिया में नहीं लेकिन बहुत ढेर सारे देशों में लैंग्वेज ने एक देश की डिविजिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट की है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा जो पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग में जब बेल्जियम की बात आप करते हो तो वहां जो कंट्रडिक्शन है वो लैंग्वेज के बेस पर था, फ्रेंच स्पीकर एंड डच स्पीकर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पर बेटा फ्रेंच स्पीकर एंड फ्रेंच और डच स्पीकर के बीच में ही कंट्रडिक्शन हुआ था, और 1% वहां जर्मन स्पीकर थे, इनके लैंग्वेज के बेस पर ही कंट्रडिक्शन था। डिविजिबिलिटी जो थी, जो डिविजिबिलिटी प्रमोट हो रही थी वो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज के बेस पर ही हो रही थी। तो इंडिया में भी बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे या जो स्पेशली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय की, तो वो लैंग्वेज के बेस पर स्टेट के फॉर्मेशन को एग्री नहीं थी, डिनाई कर रही थी, वो लैंग्वेज के बेस पर नए स्टेट का फॉर्मेशन नहीं कर रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाएंगे तो इट विल प्रमोट टू द डिविजिबिलिटी व्हिच इज वेरी हार्मफुल फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री।
अगर हम लैंग्वेज के बेस पर बनाएंगे तो एक लैंग्वेज के अलग स्टेट बन जाएंगे, तो वो बाकी स्टेट से डिविजिबिलिटी को प्रमोट करेंगे, बाकी स्टेट के साथ वो एग्री नहीं करेंगे, बाकी स्टेट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, और उसका रिजल्ट होगा कि वो डिविजिबिलिटी को प्रमोट करेंगे और इंडिया की यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी और डिमांड ऑफ डिवीजन बढ़ सकता है, जैसे कि 1947 में इंडिया का डिवीजन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के रूप में, तो दैट वॉज द डिवीजन ऑफ दैट टाइम ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजियस हिंदू एंड मुस्लिम बेस पे वो डिवीजन हुआ था। लेकिन बच्चों ये डिवीजन तो लैंग्वेज के वो रिलीजियस बेस पे हुआ था, लेकिन उनको लग रहा था कि जैसे यूरोप में लैंग्वेज के बेस पर ढेर सारे कंट्री का परमिशन हुआ है, तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों को लग रहा था कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज प्रमोट करेगी डिविजिबिलिटी को और इससे इंडिया की यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री नहीं थी। लेकिन बच्चों 1956 तक आते आते ऐसा फील होने लगा कि एक लैंग्वेज के बेस पर बने स्टेट ज्यादा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि वहां एक लैंग्वेज बोली जाती है, दैट्स द रीजन दोज स्टेट्स आर मोर प्रोग्रेसिव। इस वजह से 1956 तक आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस आइडिया को चेंज किया और स्टेट का फॉर्मेशन, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज बेस पर भी एक्सेप्ट किया जाने लगा, और इस पर एक्सेप्ट किया जाने वाला पहला स्टेट हमारा बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज फॉर ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज। और अब बेटा लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब इंडिया की उस टाइप की डिविजिबिलिटी बिटवीन इंडिया में नहीं है कि इंडिया यूनाइट नहीं रह सकता, इंडिया बढ़ जाएगा, इंडिया टूट जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स व्हाई द रीजन नाउ गवर्नमेंट इज एग्री इन द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज, और इस बेस पर कई स्टेटों का फॉर्मेशन हुआ। पहला स्टेट बेटे लैंग्वेज के बेस पर होने वाला फॉर्मेशन होने वाला आंध्र प्रदेश था बेटा, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच वॉज फॉर ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज। तेलुगु और बाद में बेटा इसको दो पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया, आंध्र प्रदेश एंड दूसरा बेटा तेलंगाना के रूप में एक दो स्टेटों में से डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरीके से बच्चों अब बेसिक हमारे करें, मतलब उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर या सेंट्रल गवर्नमेंट डरती थी कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाए जाएंगे तो डिविजिबिलिटी होगी, और डिविजिबिलिटी होगी तो इंडिया की यूनिटी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लैंग्वेज के बेस पर स्टेट का फॉर्मेशन किया जा रहा है। बच्चों इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में देखा जाए बच्चों, तो इंडिया को तो बेटा लैंग्वेज का कंट्री कहा जा सकता है। इंडिया में कहा जाता है कि हर 10 किलोमीटर चलो तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट को इंटर क्रॉस करो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाओ तो लैंग्वेज में काफी डिफरेंस दिखने लगता है। तो लैंग्वेज पॉलिसी सरकार ने क्या किया बेटे, इंडिया में लगभग 1600 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है, मोर देन 1600 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इंडिया में सब लैंग्वेज बोली जाती है। हिंदी के भी ढेर सारे पार्ट है, ये खाड़ी बोली है, ये क्या कहते हैं अवधि है, ये मराठी है, ढेर सारे टाइप की लैंग्वेज अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 1600 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इज प्रैक्टिस इन इंडिया। तो इंडिया में लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सरकार ने फिर एक पॉलिसी अपनाया, क्योंकि सरकार जानती थी कि किसी भी लैंग्वेज को सरकार आगे की बेटा, वैसे तो देखा जाए पूरे इंडिया में बेटा 41% पीपल्स हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन बाकी लैंग्वेज वाले बोलने वाले भी बेटे बहुत है, तमिल लैंग्वेज है, तमिल हो गई, इसके बाद बेटा मराठी लैंग्वेज हो गई, इसके बाद और ढेर सारी लैंग्वेज हो गई, बंगाली लैंग्वेज हो गई। तो मेरे कहने मतलब है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो हिंदी है, जो कि लगभग 41% पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। तो ये वजह से बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नहीं चाहते थे कि हम किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाए। नेशनल लैंग्वेज की जब प्रॉब्लम आई,
नेशनल लैंग्वेज की बात आई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नहीं चाहते थे कि हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाए। अगर वो किसी एक लैंग्वेज को, मान लो हिंदी लैंग्वेज को ही नेशनल लैंग्वेज बना रहे थे, तो बाकी जो अदर स्पीकर, अदर लैंग्वेज के स्पीकर थे, उनको हर्ट होता। जस्ट लाइक श्रीलंका में आपने मेजर ट्रेंड जब ये देखा था कि सिंगाली लैंग्वेज को जब उन्होंने नेशनल लैंग्वेज बना दिया तो तमिल को काफी दुख हुआ और तमिल काफी बगावत पे उतर आए और वो सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लैंग्वेज के बेस पर कोई कंट्राडिक्शन हो। इस वजह से उन्होंने किसी भी इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया गया। बच्चों मैं आपको बार बार समझा दे रहा हूँ, इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस हिंदी को दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है बेटा, लैंग्वेज हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को स्टेटस दिया गया और ये डिसीजन लिया गया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कहा गया उस समय मोस्ट ऑफ वर्क बेटा, ऑफिशियल वर्क बेटा इंग्लिश में होते थे क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल में थे। तो इस वजह से कहा गया कि 1947 से लेकर के 1965 तक हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर वर्क करेगी। 1947 से 1965 तक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज विल ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन आफ्टर 1965 के बाद 1965 ओनली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। ऐसा भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये डिसीजन लिया और उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उन्होंने हिंदी को प्रमोट किया और उन्होंने कहा कि 1947 से लेकर के 1965 तक हिंदी और इंग्लिश बोथ विल डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इट वॉज डिसाइडेड दैट आफ्टर 1965 ओनली हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन बच्चों जब बिफोर 1965 का टाइम आने के पहले ही हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट थे, स्पेशली तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटका, इन लोगों ने महाराष्ट्र, इन लोगों ने अपोज करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि हम लोगों को इंग्लिश तो आती है बट हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती है। तो इस वजह से हाउ द ऑफिशियल वर्क विल बी परफॉर्म, तो दैट वाइज भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि फॉर एवर के लिए हिंदी एंड इंग्लिश विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। हमेशा के लिए हिंदी और इंग्लिश को बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस समय हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है और प्लस में ये कहा गया है कि हर स्टेट अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। हर स्टेट को भी ऑथराइज किया गया कि हर स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। और इस तरीके से हमारे भारत सरकार ने बेटा लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू हिंदी के साथ 21 अदर लैंग्वेज को बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। मतलब टोटल मिला के विद हिंदी 22 लैंग्वेज आर डिक्लेयर्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन दी गई है। 22 लैंग्वेज को विद हिंदी के साथ 22 और मतलब एक्सपेक्ट हिंदी एक्सेप्ट हिंदी देर आर 21 लैंग्वेज विच आर ऑल्सो एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और ये कहा गया कि कोई भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम जो कंडक्ट होंगे उनमें जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो इन 21 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर मंगा सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज पे अपना एग्जाम परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम को उन्होंने हर लैंग्वेज के एग्जाम को हर 21 लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज से आप पेपर दे सकते हैं। तो इस तरीके से बेटे हिंदी के बारे में बात कर रहे थे तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। बार बार मैं आप बताता हूँ, अगर हिंदी में बेटा कहोगे तो राजभाषा इसे कहा जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं है। इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इंडिया की सिर्फ राजभाषा है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये कहा गया कि हर स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का अधिकार रखता है और मतलब आपको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। और इस तरीके से ये 21 लैंग्वेज जो लैंग्वेज है ये बेटा लगभग 99% पीपल ऑफ इंडिया को कवर कर लेती है, पीपल्स ऑफ इंडिया को
पीपल्स ऑफ इंडिया को कवर कर लेती हैं और 99% परसेंटेज पीपल लगभग इन 22 लैंग्वेज की ही प्रैक्टिस में करते हैं। तो इस तरीके से बेटा इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी है कि पहले लैंग्वेज के बेस पर कोई स्टेट नहीं बनाया गया, फिर बाद में डिविजिबिलिटी को रोकने के लिए किसी भी लैंग्वेज को बेटा नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया गया, सारी लैंग्वेज को जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सबको एक बराबर का पोजिशन दी गई। और हाँ, हिंदी को बेटा जो कि 41% पीपल ऑफ स्पेशली स्पीक इन डिफरेंट स्टेट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, राजस्थान में, ये हिंदी भाषी एरियाज है और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी ज्यादा लोगों के थ्रू प्रैक्टिस की जाती है। लगभग टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 41% पीपल इंग्लिश बोलते हैं और सेकंड सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है बेटा इंडिया की, इंग्लिश, और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के बाद इंडिया में ही सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका के बाद इंडिया में ही सबसे ज्यादा इंग्लिश का प्रैक्टिस में है, क्योंकि चाइना में बेटा चाइनीज लैंग्वेज स्पेशली प्रैक्टिस में है और अमेरिका में टोटल लैंग्वेज है, लेकिन अमेरिका की पॉपुलेशन मात्र 30 करोड़ है जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का 1/3, 1/4, 1/5 है। तो इस तरीके से अगर 1/5 पीपल ऑफ इंडिया भी इंग्लिश बोलते हैं तो भी अमेरिका के लगभग बराबर की पॉपुलेशन इंडिया में इंग्लिश बोलती है। तो इस तरीके से बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया बेटा हिंदी को, और ये पहले डिसीजन लिया गया कि 1965 तक हिंदी इंग्लिश दोनों, 1947 से 1965 तक हिंदी इंग्लिश दोनों आज ये ऑफिशियल लैंग्वेज काम करेंगे, बाद में केवल हिंदी काम किया जाएगा। लेकिन बाद में साउथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट के लोगों के अपोज के वजह से ये डिक्लेयर किया गया कि दोनों लैंग्वेज को मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा के लिए होगी। और बेटा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में 21 लैंग्वेज को एंड विद हिंदी 22 लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। कोई भी अभ्यर्थी अगर ऑल इंडिया लेवल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में अपने एग्जाम पेपर को वो कॉल कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में वो मेंस का एग्जाम लिखेगा तो किसी भी लैंग्वेज में वो लिख सकता है। तो इस तरीके से बच्चों ये मेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पॉलिसी का पार्ट रहा। आगे हम पढ़ेंगे बेटा सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फेडरलिज्म चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। ओके बच्चों, थैंक यू।